तो ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी प्री-बोर्ड्स की तैयारी किस हद तक कंप्लीट है और अगर कंप्लीट नहीं है तो उसमें क्या क्या कमियां भी मौजूद है तो प्लीज अगर आपको भी ये जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट वगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल तो विदाउट एनी फर्दर टू सबसे पहला हमारा साइन चेकआउट करते हैं सो द फर्स्ट साइन इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट सो इफ थ्रू आउट द ईयर यू हैव वर्कड ऑन योर वीकनेसेज एंड स्ट्रेंथ एंड आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ योर वीकेस्ट एंड एरियाज देन दिस इज अ बिग बिग साइन कि आप प्री बोर्ड्स के लिए रेडी हो तो बच्चा पार्टी जो हमारे बोर्ड्स में टॉपर बनते हैं वो वही बच्चे नहीं बनते जो बस एक रात में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं वन नाइट फाइट करते हैं वो एक्चुअली पूरे साल मेहनत कर रहे होते हैं ठीक है और आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ्स को जानना उतना ज़रूरी है जितना आपकी वीकनेसेस को भी जानना ज़रूरी है ठीक है बिकॉज इफ़ यू डोंट नो वेर यू लैक एट तो आप उसमें फोकस कैसे कर पाओगे सो so अगर आपने अभी तक अपने सारे टर्म्स पे ठीक है अपने होम एग्ज़ामिनेशन पे फोकस करा है ये सब चीज़ों को यू नो ढूंढने की कोशिश करिए कि हाँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं सब्जेक्ट्स हैं टॉपिक्स हैं जिनमें मैं लैक करता हूँ कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं ठीक है तो आई एम श्योर कि आप प्रीबोर्ड्स के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो ठीक है बिकॉज आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके जा रहे हो सो दिस इज नंबर वन साइन दैट यू साइन दैट यू नीड टू लुक फॉर इन योर सेल्फ क्योंकि आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता है और अगर पता है तो आपने अकॉर्डिंगली उस पर काम करा है या नहीं करा है नहीं करा है तो प्लीज अभी से काम करना शुरू कर दो ठीक है सो दैट यू कैन अवॉइड दो सिली मिस्टेक्स इन योर प्रीबोट्स नेक्स्ट साइन बच्चा वाटी

टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज कर चुके हो तो आई थिंक आप प्री बोर्ड्स के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो बिकॉज़ अब आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर फोकस कर सकते हो ठीक है सो so, इजी से लेकर डिफिकल्ट क्वेश्चन हर चीज आपको अच्छे से आती है और आपको अपने टॉपिक्स के ऊपर एक अलग ही मास्टरी अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा कि हां यार कहीं से भी सवाल उठकर क्यों ना आ जाए मैं जरूर अच्छे से कर दूंगा नाउ नेक्स्ट consistent study schedule now this is one sign that is hardly ever seen in students and it is only seen in those students your boards may pre-boards or your boards may be 95% above lake so if you have a consistent study schedule that you follow strictly and you make

सेल्फ स्टडी इज समथिंग ठीक है जिससे आपको खुद समझ में आता है कि आपको कोई टॉपिक कितना अच्छे से समझ में आया है कहाँ आपके डाउट्स हैं ठीक है एंड नाउ वी ऑल नो कि सी बी एस सी इज रादर फोकसिंग ऑन क्वेश्चन जो आपकी नॉलेज की एप्लीकेशन को असेस करे रादर देन सिर्फ आप फैक्ट्स रट के आ जाओ और उनको एज इट इज कॉपी करके डा दो मतलब आपके जो लिटरेचर सब्जेक्ट है इंग्लिश जो है उसमें तक अब आप आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि स्टोरी में क्या हुआ ये बताओ ठीक है वहां पर भी बहुत सारे आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऐसे में सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है सो इफ यू हैव हैड अ सेल्फ स्टडी स्केड्यूल दैट यू हैव फॉलोड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर आई एम प्रिटी श्योर कि आप अपने प्री बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे टू नॉट वरी अबाउट इट नेक्स्ट साइन बेटा दैट इज कंप्लीट नोट्स एंड रिविजन टेस्ट So, if your notes are complete, so they are definitely gonna help you a lot in revising efficiently during your pre boards. And if you're able to score good marks in your revision test and in your class test, बेटा like की आप अपने pre -board के लिए absolutely हो देखो में ना एक बहुत बड़ी problem जो हर बच्चा करता है वो है समय की कमी ठीक है हार्डली आपके पास एक दिन होता है उस एक दिन के अंदर अंदर आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है अब ऐसे में ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप एनसीईआरटी का पन्ना पन्ना पलटो हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो तो इफ योर नोट्स आर कंप्लीट ठीक है जिसमें आपके माइंड मैप्स रेडी हैं, ठीक है हर चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलाज रेडी हैं, आपने अपनी पूरी बुक में इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह मार्क करे हुए हैं बी रेस्ट आप अपने प्री बोर्ड्स में फोड़ने वाले हो रिविजन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड ऑल्सो इफ यू आर एबल टू स्कोर लाइक यू गुड मार्क्स इन योर टेस्ट एंड क्लास टेस्ट देन दैट इज ऑल्सो बिग साइन कि आप अपने प्री में बहुत अच्छा करोगे बिकॉज जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो रिविजन टेस्ट में से क्लास टेस्ट में से कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देते हैं या फिर सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन जरूर उठा के देते हैं ठीक है तो वो कहीं ना कहीं एक छोटा छोटा पोर्शन है आपके क्वेश्चन uh, क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर का सो दैट इज ऑल्सो टिप फॉर यू कि प्लीज अपने जो ये टेस्ट टेस्ट है टेस्ट है क्लास इन्हें संभाल के रखना बिकॉज एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं कहीं ना कहीं आपकी टीचर ने इन्हीं पेपर्स में से टेस्ट पेपर्स में से सिमिलर क्वेश्चन दिए हैं या डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन दिए हैं सो इफ यू आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन देम यू बहुत बढ़िया करने वाले प्री वर्ड्स में मार्क माई वर्ड्स Now, the last and not the least, if you're a well organized person, so if you're done with at least 80% of your slavers and are already aware of the most important and repeated topics from your subjects, bacha, you're definitely going to score good marks in your pre-boards. You're definitely ready for your pre-boards. How can I say that? So, in pre-boards, you're pura, pura slavers complete your pre-boards. ठीक है बट एटलीस्ट अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके 80 परसेंट सिलेबस आपका डन है एंड डन इन नॉट द सेंस कि आपके स्कूल में डन है आपके ट्यूशन में डन है डन इन द सेंस कि आपने उसे सेल्फ स्टडी से करा हुआ है जहां पे आपने एनसीआर से उस चैप्टर को पढ़ा है उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं पी वाई क्यूज करे हुए हैं एंड ऑल्सो यू आर वेल अवेयर कि बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर रिपीट होते हैं ठीक है आपको पता है कि कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो प्री बोर्ड में

You are absolutely ready for your pre और अगर इन साइंस में से आपको कोई भी साइन अपने अंदर अभी तक नहीं देख रहा है सो so प्लीज अब जितना भी समय बचा है ठीक है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है थ्रू आउट दिस वीक आई नो रिलीज अट ऑफ वीडियोज फॉर यू ऑल आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यूर लॉट विद योर प्रीबोट्स टिप्स ट्रेक्स हाउ टू कवर योर सिलेबस इन अ डे ठीक है थिंग्स लाइक यू नो पेपर प्रेजेंटेशन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स तो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू दैनल इफ यू हैवेडन ये

आपने इस पे एनरोल नहीं करा गो एनरोल राइट अवे स्टूडेंट्स बिटवीन क्लास सिक्स टू क्लास ट्वेल्थ एंड इवन फॉर फाउंडेशन लर्नर्सुकेटर्सेंट टिक्सिव पोल्स के थ्रू समझा रहे को ये सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है अगर अभी तक आपने इस पर एनरोल नहीं करा है तो प्लीज गो हेड एंड एनरोल राइट अवे नेक्स्ट थिंग ठीक है अगर अभी तक आप लोगों ने अन अकेडमी के ऐप पर मुझे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है सो क्यों नहीं करा प्लीज अभी कभी जाके करो जिस तरीके से हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपके लेते रहते हैं यूट्यूब पे सिमिलरली हम एप्लीकेशन पे भी आपकी बहुत सारी फ्री क्लासेस लेते हैं सो गो फॉलो मी एंड अवेल द फायदा।